हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है और वायर के कनेक्शन कैसे होते हैं। वायर का कनेक्शन इंडोर से आउटडोर वायर कनेक्शन एकदम सेम होनी चाहिए। अगर सीपीयू वाला वायर इधर से उधर होता है तो आउटडोर के पीसी भी कम्युनिकेशन का एरर आ जाएगा। A6 आउटडोर की पीसी उड़ भी सकती है। तो हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और हम AC को वहाँ पर प्लेट पर लटका देते हैं। प्लेट हमने लगा रखा है तो ये हमारा वॉल है जो कि इसमें नया से इसमें प्रेशर जरूर भरा होना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं भरा होता है तो इसमें मान के चलिए लीकेज है, इसलिए इसमें लीकेज इसमें गैस किसी ने गैस डाल दिया, नाइट्रोजन नहीं पड़ा है। अगर नाइट्रोजन पड़ा होता तो इसमें थोड़ा गैस ठंडा ना आता तो इसमें गैस निकल रही है, ठंडा हवा निकल रही है, तो इसमें किसी ने गैस होल्ड कर दिया था। तो इसीलिए प्रेशर जब भी निकालना है धीरे धीरे निकालना है। अगर एकदम से नहीं निकालेंगे तो ये जो खोल रहे हैं गोली की तरह एकदम चली जाएगी, किसी को लग भी सकती है। तो प्रेशर धीरे धीरे इसमें से निकालें। और AC को आज हम लोग नया AC है इसको इंस्टॉल करते हैं। AC को लॉक भी अनलॉक कैसे करते हैं वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, आइए आपको फुल वीडियो समझाते हैं। ये हमने हमारी AC लग चुकी है इंडोर यूनिट और इसमें पाइपिंग लगनी होगी कम से कम 15 मीटर। ये देख सकते हैं यहाँ से पाइप निकलेगी तो जाएगा वो।